तो तुमने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि मोस्ट फ्लैशेस्ट हाउस सीरियल टेंगन ही क्यों बेस्ट था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए। वो इसलिए है कि योशिवारा डिस्ट्रिक्ट और टेंगन में बहुत सारी चीजें मैच करती है, जैसे कि दोनों का बहुत ज्यादा चमकीला होना और फ्लैशी होना। लेकिन क्या होता कि योशिवारा डिस्ट्रिक्ट में टेंगन के अलावा एक ऐसा बंदा जाता जिनको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका नाम है ग्योमे हिमेजिमा। तो इस केस की बहुत ज्यादा मजेदार पॉसिबिलिटीज मैंने देखी है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मैं बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ मुझे कि ये जो मुराटा है ये हर आर्क में कैसे जिंदा बच रहा है। मुझे लगता है कि ये बंदा वाटर ब्रीदिंग के अलावा एक और ब्रीदिंग करता है जिसका नाम है लक ब्रीदिंग। खैर इस मुराटा को तो हम किसी और वीडियो में निपटाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात ये करते हैं कि टेंगन को भाई एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में क्यों जाना पड़ा। तो हाँ, यहाँ पे तुमने बिल्कुल सही गैस किया, डाकी से मिलने के लिए। तो मेन बात यह है कि योशिवारा डिस्ट्रिक्ट में अननोन तरीके से मौत हो रही थी ओइरांस की, और इसलिए टेंगन ने अपनी तीन बीवियों के 6 मून्स को लगा रखा था काम पर अंदरूनी बातों को पता करके लेटर्स भेजने के लिए। और एक दिन अचानक लेटर्स आना बंद हो जाते हैं। टेंगन को लगा कि उसके 6 मून किसी और के होने वाले हैं, और टेंगन को ये तक लग रहा था कि उसकी तीनों वाइफ सही में ओइरान तो नहीं बन गई। टेंगन की सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है, और तभी उसके दिमाग में गाना बजता है। फिर टेंगन सोचता है नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी बीवियां शिनोबीज हैं, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हो रखी होगी। लेकिन दूसरी तरफ टेंगन कुछ और सोच के खुश हो रहा था। मैं फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्ट चला गया। तो हाँ, मेरे रीजन यह है कि यार उसकी तीनों बीवियों के लेटर्स नहीं आ रहे थे, तो उसने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाने की सोची थी। तो चलो मान लेते हैं कि टेंगन को इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन मिल गया है, क्योंकि टेंगन को अपने किसी और भाई की शादी में जाना है जो कि 3 लड़कियों से शादी कर रहा है। तो टेंगन तो अब जा नहीं सकता योशिवारा डिस्ट्रिक्ट में, तो वो रिक्वेस्ट करता है ग्योमी से। वो ग्योमी के पास जाता है और उससे कहता है, अंकल मेरा मतलब ग्योमी भाई साहब, मेरा एक काम कर दो प्लीज, मेरी 3 बीवियों के 6 चांद खो गए हैं, प्लीज उसे ढूंढ के ले आओ। तो ग्योमी कहता है, 6 चांद, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे 6 चांद देखने को मिलेंगे और कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, क्योंकि मुझे दिखाई। काफी देर तक ग्योमी सोचता है और टेंगन की बात लास्टली मान ही लेता है, और अब अपना ग्योमी रेडी हो चुका है योशिवारा डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, टेंगन उसे बोलता है कि भाई तुझे 3 लड़के लेके जानी पड़ेगी वहाँ पर। अब ग्योमी फिर कंफ्यूज, लेकिन फिर से उन्हें टेंगन की बात याद आती है, अगर तुझे लड़की ना मिले तो इन तीनों को पकड़ के ले जाना। लेकिन ग्योमी सोचता है, नहीं यार ये तो पाप है, तो जो हरकत टेंगन ने करी थी वो ग्योमी नहीं करेगा इधर। तो इसका मतलब ये है कि इस बार हमको ये फनी सीन देखने को नहीं मिलेगा। तो ग्योमी यही सब सोच रहा होता है, और तभी वहाँ पे आ जाता है कामबोको स्क्वाड। तो अपने तांजे की नाक बड़ी लंबी है, तो वो यहाँ पर भी अपनी नाक घुसाएगा और ग्योमी से कहेगा, सुनो भैया हम भी वेले बैठे हैं, हमें ही ले चलो। तो फिर क्या, थोड़ा मेकअप शेकअप होता है, उसके बाद सब चल पड़ते हैं, और हमें एक और सीन देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है गॉड ऑफ फेस्टिवल्स और लॉर्ड ऑफ माउंटेन की। और अब सीन आता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का। तो टेंगन ने जो प्लान ग्योमी को बताया था, ग्योमी वही सारा का सारा प्लान बताता है कामबोको स्क्वाड को, एंड इसी के साथ ग्योमी निकल जाता है इन तीनों को बेचने के लिए। तो तुम्हें ये बात याद होगी कि यार इन तीनों को कोई खरीद ही नहीं रहा था, वो तो भाई टेंगन का फ्लैशीनेस था जिसकी वजह से ये तीनों बिक गए। लेकिन जो अपना ग्योमी है वो फ्लैशी नहीं है, तो वो कहेगा खरीद लो इसको आराम से। तो अपना ग्योमी डरावना था तो दिखता ही है, तो उसके डर के मारे ये लोग खरीद लेंगे कामबोको स्क्वाड को। तो प्लान के मुताबिक दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, और अपना तांजिरो क्या करता है, पूरे बंगले की साफ सफाई। तो फाइनल बैटल से पहले यार की कुछ बातचीत होती है, जैसे कि तुम्हें याद होगा इनोसुके बताता है बेल डीमन के बारे में तांजिरो को, और जैसे पहले हुआ था वैसे ही इस बार भी ज़ेनित्सु पकड़ा जाएगा। तो सेम टेंगन की तरह यहाँ पर ग्योमी भी इनोसुके और तांजिरो को बताएगा कि बेटा घर निकल लो अब, क्योंकि ज़ेनित्सु तो गया, अब तुम्हारी बारी ना आ जाए कहीं। फिर वही तांजिरो की पुरानी आदत, ऐसे कैसे भाई, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मैं तो लड़ूंगा, तू निकल घर। और रही बात इस सुअर की, ये भी बच जाएगा मेरे साथ रहेगा तो। लेकिन यहाँ पर ग्योमी तांजिरो की बात सुन नहीं रहा, क्योंकि उसको तो 6 मून देखने थे। तो ग्योमी कहता है, चल ठीक है यहीं रुक जा, लेकिन अगर 6 मून दिखे तो मुझे बता देना। फिर तांजिरो सोचता है ये 6 मून क्या है। अब आती है फाइनल बैटल वाली रात। तो यहाँ पे मसल माइस है नहीं, तो इनोसुके खुद ही अपनी तलवार छुपाता है और खुद ही उन्हें लेके आता है, और उसके बाद ऐसी वाली हरकत करके वो घुस जाता है टनल के अंदर। एंड यहाँ पे फाइनली तांजिरो को डाकी दिख जाती है, और उसके आंख में लिखा रहता है अपर मून से। अब यहाँ पे तांजिरो को ग्योमी द्वारा बताई गई 6 मून की बात याद आती है, और तांजिरो कहता है तो यही है वो 6 मून यानी अपर मून से। और तांजिरो फिर वो लड़ाई वड़ाई करता है मस्त एकदम डाकी के साथ, और इसी के साथ ग्योमी हिनासुरु का पता लगा लेता है और उसको रेस्क्यू कर लेता है। और हिनासुरु से ही ग्योमी को पता चलता है कि यहाँ पर एक अपर मून डीमन है, और उसको भी समझ आता है कि यह जो टेंगन है वो अपर मून 6 की बात कर रहा था। और फिर ग्योमी सोचता है फाइनली अपर मून 6 दिख गया।
तो अब चलते हैं इनोसुके की तरफ। तो इनोसुके, ज़ेनित्सु और टेंगन की दो बीवियां, ये सभी के सभी बेल्ट वाले डीमन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो टेंगन के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी साउंड्स को सुन लेने की, जिसकी मदद से उसने साउंड ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करके एक गड्ढा खोदा था। तो यहाँ पर जो ग्योमे है वो ब्लाइंड है, लेकिन वो सेंस कर लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट और इसी के साथ डीमंस को। तो ग्योमे भी गड्ढा खोद देगा और उन सभी को रेस्क्यू कर लेगा, वो भी एक एक्शन के साथ। और दूसरी तरफ तांजिरो की हालत खराब हो रही है डाकी से लड़ लड़के, और डाकी भी अपने फाइनल फॉर्म में आ जाएगी क्योंकि उसकी बेल्ट उसके पास वापस चली गई है। तो बस अब डाकी तांजिरो को मारने वाली होती है, लेकिन नेज़ुको उसको रेस्क्यू कर लेती है और फिर नेज़ुको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और तुम्हें याद ही होगा कि नेज़ुको जो है वो इंसानों को खाने की कोशिश करती है और तांजिरो यार बना लेता है उसको। तो तुम्हें मैंने ये बात बता रखी है, जो टेंगन है अपना वो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट हाशिरा है सभी हाशिराज में, और यहाँ पे मैं रनिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ। और ग्योमे थर्ड पे आता है तो ग्योमे को थोड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ पर आने में, और हो सकता है कि डाकी तब तक उन दोनों लोगों को मार दे। और उन दोनों को खाने के बाद वो बढ़ती है तांजिरो नेज़ुको की तरफ, लेकिन तभी एंट्री होती है वहाँ पर अपने खतरनाक हाशिरा ग्योमे की। तो देखो डाकी का तो यार गला कट चुका है, तो अभी उसके अंदर से निकलेगा उसका भाई, लेकिन ग्योमे एक और डीमन को सेंस कर लेता है। लेकिन ग्योमे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ग्योमे बस देखता जाता है कि क्या भसड़ हो रही है ये। तो ग्योमे ये सब देख ही रहा होता है, जो ग्यूतारो है वो डाकी का सर उठाता है और उसको वापस लगा देता है, और ग्यूतारो इधर उधर की फालतू की बातें करे जा रहा है, और ग्योमे अभी भी शांत खड़ा है और ये सब देख रहा है। तो डाकी का भी गला लग चुका है और इसी के साथ ग्यूतारो भी आराम से खड़ा है, और अब ग्योमे रुका नहीं और एकदम मान लो इनविजिबल सा हो गया, और ग्योमे ने दोनों का गला एक साथ उड़ा दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो अपना ग्योमे है उसके पास है एक फ्रेल, और ग्योमे है बहुत खतरनाक हाशिरा। और तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे कोई फ्लैशी फाइट होगी? भाई वो ग्योमे है खतरनाक हाशिरा। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मुजान की जो हालत हो गई थी योरिची को देखकर, वैसे ही यहाँ पर ग्यूतारो की हो चुकी है। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर तांजिरो का डीमन स्लेयर मार्क अवेकन नहीं हुआ, और इसका डिसएडवांटेज इसको मिलेगा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में। ये बंदा एक शॉट में इतने सारे डीमन को नहीं मार पाएगा, लेकिन एक सेकंड रुको, हो सकता है कि तांजिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर ले स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में, और इसी के साथ टेंगन रिटायर नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या हो चुका है, ग्योमे के योशिवारा डिस्ट्रिक्ट जाने से टेंगन की आंख और हाथ दोनों बच चुके हैं। इसी के साथ ज़ेनित्सु तांजिरो और इनोसुके का बुरा हाल नहीं होगा फाइट में, तांजिरो का डीमन स्लेयर मार्क अवेक नहीं होगा, ग्योमे को 6 मून दिख जाएंगे और मुदान वाली बैटल तक सब कुछ सही चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो टेंगन है वो किसी और 6 मून की बात कर रहा था। वीडियो खत्म करने से पहले तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पता है कि सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरी किस हाशिरा की है? क्या वो ग्योमे है या टेंगन?